हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज संडे है, आप सबकी इच्छा थी कि मैं आऊं शाम को लाइव करूं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ नेटवर्क इश्यूज़ हैं, उसके कारण मैं लाइव तो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगा जो आपके मन की बात है, क्यों ना मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं, एक वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचा दूँ, आपकी भी सुन लूँ, अपनी भी पहुँचा दूँ। मैं समझ सकता हूँ कितने सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं जो शाम को आपको मुझसे बात करनी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, टू द पॉइंट हम आते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करनी हैं, चूँकि अब लास्ट मोमेंट में 11th आर में आपकी स्टडी चल रही है। तो डेफिनेटली आज एक तारीख है और 7 को आपका पेपर है, तो मात्र आप ये मान के चलिएगा 5-6 दिन आपके पास बचे हैं ये, और ये वो 5-6 दिन हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, देखते हैं क्या क्या हमें ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला ध्यान आपको रखना है इन 6 दिन में अपनी हेल्थ का। किसी भी इंजरी से बच के रहना है, किसी फिजिकल एक्टिविटी से बच के रहना है, जो भी काम करना है बड़ा संभल के करना है। इन 6 दिन में आपने अभी तक जो किया है वो मायने नहीं रखता, लेकिन इन 6 दिन में और इसके बाद एग्जाम हॉल में आपको जो करना है वो मायने रखता है। उसी पे आपका सारा फ्यूचर, सारा जो भविष्य, आपकी सारी मेहनत है वो सब टिकी हुई है। तो अपने आप को बचा के रखना है इधर उधर जाने से, सारी चीज़ों से, और प्रॉपर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी प्रॉपर डाइट का। डाइट में कहीं भी कोई लापरवाही नहीं करनी। मानता हूँ मैं आप एग्ज़ाम में बिजी हैं, टाइम नहीं लगा, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, पीने का नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हमें इन 6 दिन में विशेष ध्यान रखना है और प्रॉपर स्लीपिंग लेनी है। अगर स्लीपिंग नहीं लेंगे काम बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा माइंड, बिल्कुल ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इसको पका चुके हैं, और अगर इन 6 दिन आप प्रॉपर स्लीपिंग नहीं लेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो इन 6 दिन में विशेषकर आपको नींद का ध्यान रखना है। आपका काम 4 घंटे में चलता है तो 4 घंटे सोइए, 6 में चलता है 6 घंटे सोइए। अब कटौती मत कीजिएगा, क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, इसके बाद अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो इन 6 दिन में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। माइंड ने जितना पढ़ना था, जो आपने 1-2-3 साल में जितनी मेहनत करनी थी वो तो आप कर चुके। अब सोचिए इसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रेशर माइंड पे देंगे तो क्या मिलने वाला है। इन 6 दिन में बहुत ज़्यादा आप 1 क्वेश्चन बढ़ा लेंगे, 2 क्वेश्चन बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर प्रेशर में कहीं नेगेटिव हो गया तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, एक तो डाइट प्रॉपर हो, स्लीप प्रॉपर हो। और इसके बाद चलिए कुछ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम हॉल में हमें कैसे करना है। कुछ टिप्स जो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं लेके आपको बता देना चाहता हूँ। और हो सकता है, देखिए बैकग्राउंड नॉइज़ है, क्योंकि खुले माहौल में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। माइक भी नहीं है, बिना माइक के आज रिकॉर्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स करना क्या है, देखिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं तो हॉल में पहुँचने से पहले आधा घंटा पहले आपको पहुँच जाना है, बहुत हबड़ तबड़ नहीं करनी है, और एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले आपको पढ़ना बंद कर देना है। मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे कैसे तैयारी करते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं बिल्कुल 24 घंटे पहले पढ़ना बंद कर देता हूं। और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे एक दिन पहले जो स्लीप होती है मेरी, अगर मैं 6 घंटे सोता हूं तो उस दिन मैं और 1 घंटा फालतू सो जाता हूं, कि कहीं ना कहीं भी किसी भी लेवल पर माइंड पर स्ट्रेस ना आए। तो बिल्कुल 24 घंटे पहले बंद कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले तक, वो लास्ट मोमेंट तक किताबें पलटते रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। भाई कुछ नहीं होने वाला, जो काम आप 2 साल में नहीं कर पाए उस 20 मिनट में क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस मत दीजिए, अब स्ट्रेस नहीं देना आपको। आधा घंटा पहले जाना है, 24 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर देनी है, बिल्कुल स्लीपिंग लेनी है, प्रॉपर स्लीपिंग। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपना जो पेन पेंसिल है, मोटा वाला जो पेन आता है OMR शीट भरने के लिए, उसको लेके जाइए, ब्लैक को, 1 की जगह 2 लेकर जाइएगा। और जो आपका एक्सेसरीज है, इसके बाद आपको इरेजर की भी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ लेड पेंसिल और इरेजर डाल लीजिएगा आप, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ। और इसके अलावा आपको क्या करना है, कोई भी एक टैबलेट लेके जानी है, डाइक्लोपैरा, मीन्स सरदर्द होता है, जो आप सेरिडॉन खाते हो या रिलीफ खाते हो या और कोई भी खाते हो, एक सरदर्द की ज़रूर दवाई वहाँ लेके जाएँ, एक टैबलेट पॉकेट में डाल के ले जाएँ। पता नहीं कहाँ किस लेवल पे वहाँ सर में दर्द हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तो क्या करना है भाई, पानी वहाँ मिलेगा, तुरंत उस टैबलेट को खा लेना है। क्योंकि कई बार अपनी गलती से सर दर्द नहीं होता, सामने वाले की गलती से सर दर्द हो जाता है। कई बार इन्विजिलेटर ऐसा मिल जाता है हमें जो हमारा सर में दर्द कर देता है, तो उस सर दर्द से बचने के लिए उस टैबलेट को आपको अपने साथ रखना है। क्लियर? टाइम से आधा घंटा पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुँचना है। भाग दौड़ बिल्कुल, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
एक बार हड़बड़ी मेरे साथ हुई थी और वो इस लेवल पे हुई थी जब मैं एग्ज़ाम देने गया था PGT का सेकंड टाइम। तो बस ये मान के चलिएगा मैं भागते भागते था, जाम में फंस गया और जाम में फंसने का भी कारण मैं खुद ही था, मेरी वजह से खुद जाम फंसा। और लास्ट मोमेंट जब बेल बज जाती है उस टाइम में कॉलेज के गेट पर था, तो समझ सकते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा 10 मिनट तो अपने आप को रिलैक्स करने में लग गई। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर ऐसा करेंगे तो एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आप ख़राब कर लेंगे, क्लियर। तो इसके बाद पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, शांति से बैठिएगा, बिल्कुल बिल्कुल माइंड में बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस ना हो, बिल्कुल कूल माइंड हो। और इसी के साथ साथ जब क्वेश्चन पेपर बुकलेट आपके हाथ में आ जाए, अपना जो आराध्य देवता है, जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर। क्योंकि बिना ईश्वर के, बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिलता। जिसको भी आप मानते हो उसके आप स्तुति कीजिए, प्रणाम कीजिए उनको और कहिए हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी मनोकामना मेरी पूरी करो। और उसके बाद पेपर आता है, अब आपका असली रोल शुरू हो जाता है। देखिए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से पहले आपने क्या किया ये मायने नहीं रखता, लेकिन उन 2 आवर्स में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है ये मायने रखता है। किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को ट्रीट करना है, इस ये चीज़ स्पेशल हो जाती है वहाँ आपके लिए। करना क्या है, क्वेश्चन पेपर लेना है और उसमें पेन लेके वो जो बुकलेट है आपकी उस पर आपको आंसर टिक करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आपको आता है, पढ़िए देखिए आंसर और उसको तुरंत टिक कर लीजिए। कहाँ टिक करना है, अपनी बुकलेट में। लेकिन एक गलती ये नहीं करनी, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं आप, किस तरह की गलतियाँ करते हैं सारी बात मैं बताऊँगा। तो गलती क्या करते हैं, कई बार हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा, एकदम आप टिक करते चले गए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको क्या करना है, जब आप आंसर टिक कर रहे हैं उससे पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेने हैं। किसी भी आपको पता है इसका आंसर ये है, क्लियर कट हमें आंसर दिख रहा है, भाई बी है या सी है या डी है, लेकिन हमें काम करना क्या है, जो 4 ऑप्शन है उनको पढ़ना है। बिल्कुल काम हो के 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर देखना आंसर क्या है, उसको अपनी जो बुकलेट है उस पर टिक कर लेना है। आगे बढ़ गए, क्वेश्चन 2 पे आ गए, यही काम करना है। 3 पे आ गए, काम करना है, लेकिन अगर 3 नहीं आता तो उसको छोड़ के स्किप कर जाना है। फर्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आप डेड श्योर हैं, जिनके आंसर आपको क्लियर कट पता है, पहले राउंड में आप उन सारे क्वेश्चंस को कर जाइएगा। और जब आप उनको कर जाएंगे, करने के बाद आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन लीजिए और अपनी जो OMR शीट है उसमें भर लीजिए, क्लियर। लेकिन भरने से पहले एक सरसरी नज़र उन सब पे फिर डाल देनी है कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया। और जब कर लेंगे उसके बाद फटाफट आपको क्या करना है, सर क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है, कौन से को किया है, और लेके उसको सर्किल करते जाइएगा, क्लियर। तो इस काम में आपको 35 से 40 मिनट लगेंगी और 40 मिनट में आप फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको आते थे उन क्वेश्चन को आप कर चुके होंगे। अब क्वेश्चन पेपर का सेकंड राउंड पकड़ना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखना है जो क्वेश्चन आप छोड़ के आए थे, लेकिन उनमें वो क्वेश्चन होंगे जिनमें आप पे 2 ऑप्शन है आपको पता है, ना ये ऑप्शन सही है ना ये ऑप्शन सही है, लेकिन आपको ये पता है कि ये 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। उन क्वेश्चंस को लीजिए और उनको गैस करते हुए उनको आप करते जाइएगा फटाफट, क्लियर। तो सेकंड राउंड में ये क्वेश्चन हो गए और तुरंत आपको क्या करना है, OMR शीट में गोला काला कर देना है। अब थर्ड राउंड में आपको करना है कि आपको जो वहाँ पैसेज मिला है उस पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद अपना टाइम देखना है कि भाई 1 घंटा मेरे पास बचा है या 40 मिनट बची हैं या 35 मिनट बची हैं, और उसको पैसेज को हमें करना है क्या, पढ़ के उसके आंसर्स जो हैं वो हमें देखने हैं। पैसेज पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, पैसेज पे अमूमन 10 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 2 पैसेज आते हैं तो 5 to 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उन 10 क्वेश्चंस में से 6-7 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं होता, क्लियर कट आंसर होते हैं। और पैसेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो एक्सेप्शनल होते हैं वो उनके 9-10 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 नहीं मान के चलना चाहिए, 10 होते ही नहीं है वहाँ से ही। मैं बैठूँ तो मेरे भी शायद 5-6-7 क्वेश्चन सही होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन हमें नहीं करनी है। पैसेज कर लिया, पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनके हमने आंसर सर्किल कर लिए। इसके बाद हम बचते हैं उन क्वेश्चंस पे जिनको हम छोड़ आए थे, वो ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिसको हमें बिल्कुल ही नहीं पता था 4 ऑप्शन, उन क्वेश्चंस को लेना है और एक एक क्वेश्चन को हमें गेस करते हुए, अब चूंकि हमें छोड़ के तो एक भी क्वेश्चन नहीं आना, तो हमें क्या करना है, गेस करना है। और गेस करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं माइंड में, भाई क्वेश्चन है क्या है कैसे है क्या, तो गेस करते हुए अल्टी फाइनल टच उनको देके चलना है। एक एक क्वेश्चन लेना है और उस पर अच्छा गेस करना है, ये मत सोचिए लास्ट में बैठ के करूँगा, नहीं, लास्ट में किसी से क्या करना। और
गेस करने से पहले काम ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम ये होता है किसी पड़ोसी से बिल्कुल ना पूछे कि इसका आंसर क्या है। कितना भी क्लोज़ फ्रेंड हो लेकिन वहाँ वो नहीं बताएगा आपको, और बताएगा तो डेफिनेटली वो सही नहीं बताएगा, क्योंकि जो बैठा है बराबर में वो आपका एनिमी है, वो आपका दुश्मन है। वहाँ एग्जाम हॉल में कोई दोस्त नहीं होता, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा दोस्त है, मेरा क्लोज़ फ्रेंड है, मेरे बराबर में आ गया, नहीं। उसी सीट के लिए वो फाइट कर रहा है, उसी के लिए आप फाइट कर रहे हो। तो किसी से आपको ना बताना है ना किसी से आपको पूछना है, कुछ नहीं। कोई पूछता है साइलेंट वे में अपना काम करते रहना है, एक बार पूछेगा, दो बार पूछेगा, फिर नहीं पूछेगा आपसे, ना किसी पड़ोसी से पूछना है। अगर आप इस काम में लगेंगे तो डेफिनेटली नुकसान कर लेंगे। कोई कुछ भी बताए, इन्विजिलेटर भी अगर बताता नहीं इसका ये है, किसी पर रिलाई नहीं करना हमें, सब हमारे वहाँ दुश्मन बैठे हैं, उसी सीट के लिए लड़ रहे हैं सब जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, क्लियर। तो हमें करना क्या है, जो चार ऑप्शन थे उनमें से वाइल्ड गेस करते हुए हमें अपना काम जो देखना है उसको फाइनली हमें क्वेश्चंस को उनको करते जाना है, और करते जाना है। जब हम कर चुके उन क्वेश्चंस को, और डेफिनेटली वो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास लगभग, देखिए मान के चलिए आपको 80 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्लियर कट आपको आंसर आते होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप में डबल के ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं कि जिनमें आपको पता ना हो कि इसमें क्या आंसर है, क्लियर। ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन की क्या कैटेगरी होती है, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को लेके और उनका फाइनली कोई ना कोई आंसर देते हुए आपको उनको करते जाना है, और जब आप कर चुके हैं उसके बाद आप उनको सर्किल कर लें, ओएमआर शीट में भर लें, और जब आप ओएमआर शीट में भर चुके तो आप इस तरह देखेंगे आपका सारा पेपर सॉल्व हो गया। पेपर सॉल्व हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है टाइम देखना है, और एग्ज़ाम फिनिश होने से 10 मिनट पहले आपको ये काम निपटा देना है। उन बाद के 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एक पकड़ना है, और उस क्वेश्चन नंबर एक को पकड़ के अपने आंसर को देख के और ये देख के चलना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दबाजी में उसको भूल गया। हो सकता है जल्दबाजी में कहीं कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन वहाँ जल्दबाजी किसी भी लेवल पे आपको नहीं दिखानी। कुछ लोग क्या करते हैं, सर्किल लिया, क्वेश्चन पढ़ा, उसको पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका सर्किल काला कर दिया, फिर दूसरा पढ़ा, फिर सर्किल काला कर दिया। मैं नहीं मानता कि ये वो टेक्निक आपके लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपको इस टेक्निक से बचना है। आप क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस कीजिएगा, उसके बाद उनके सर्किल काले कीजिएगा, लेकिन ये भी गलती मत करना। एक मेरा कलीग था, पता लगा उसने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ओएमआर शीट के लिए जब भरने बैठा टाइम शॉर्ट हो गया, तो वहाँ 125 में से वो 100 ही क्वेश्चन ब्लैक कर पाया, बाकी 25 क्वेश्चन ऐसे रहे वो उसको वहाँ सर्किल तक नहीं कर पाया। तो उस चीज़ को, उस नौबत को नहीं आने देना है, क्लियर। एक सेगमेंट कीजिए, वो क्वेश्चंस जो आपको क्लियर कट आते हैं उनको आपको लेना है और फिल कर देना है। वो क्वेश्चन जिनमें दो ऑप्शन में आपको डाउट है उनको लेना है और फिल कर देना है। पैसेज आपको लेना है, फिल कर देना है, और लास्ट में वो क्वेश्चंस लेने हैं जिनका आपको एक भी ऑप्शन नहीं आता, लेकिन आपको वहाँ चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको वहाँ देना ही देना है क्वेश्चन का आंसर, तो आपको उस क्वेश्चन को लेना है उनको, और उनको भी आपको सर्किल कर देना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह, और लास्ट में बैठ के सबको आपको चेक कर लेना है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आपको, क्वेश्चन तो वहाँ देख लिया आपने, या क्वेश्चन करने से छूट गया, या वहाँ क्वेश्चन किया भी है लेकिन ओएमआर शीट का आप फिल नहीं कर पाए, तो उस चीज़ से आपको बचना है। और उसके बाद बिल्कुल टाइमली, बिफोर टाइम, आपको काम फिनिश करके अपनी बुकलेट बंद करके और बैठ जाना है और ईश्वर का धन्यवाद देना है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम हॉल में आपको ध्यान रखनी है। और अब जो ये 4-5 डेज बचे हैं आपको, इनमें क्या करना है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं बस उनको आपको रिवाइज करना है। उसमें से वो कैटेगरी रिवाइज करनी है जो आपको नहीं आते, क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं लेकिन वो चकमा दे रहे हैं, वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उनके आंसर्स आप नहीं उनको गेस कर पा रहे हैं, नहीं याद हो पा रहे हैं, बस उन्हीं को आपको फोकस करना है। लेकिन वो स्टूपिड क्वेश्चंस जो अब तक आपको याद नहीं हुए, 4 बार पढ़ा 6 बार पढ़ा 8 बार पढ़ा नहीं याद हुआ आंसर, उसको इग्नोर कर दीजिए, गोली मार दीजिए, नहीं आएगा वो क्वेश्चन। और आएगा तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न रहना ही है, तो क्या कर लेंगे उसका। लेकिन उसके चक्कर में, उसको टाइम देने के चक्कर में आप बाकी चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर देंगे, उनका टाइम आपको नहीं काटना है,
भाई ग्रामर को आपको रिवाइज करना है, स्पेशली एडवर्ब रिवाइज करनी है, आपको प्रपोजिशन रिवाइज करनी है, और ये मान के चलिएगा जो वर्ब है वर्ब भी क्वेश्चन वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंक्चुएशन आपको रिवाइज करनी है, क्राइज हैं, एनिमल्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है। लिटरेचर में आ जाएं जो चारों ऑथर्स हैं बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन उन अच्छे से पढ़ने के बाद आपको बहुत किसी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन जिस भी बुक से आपने पढ़े हैं उसी बुक से आपको अब रिवीजन लगा देना है। नई बुक बुक चेंज करने की गलती अब नहीं करनी, ऐसा नहीं भाई पहले मैंने इस बुक से पढ़ लिया था अब हम क्या करूँ मैं इस बुक से पढ़ूँ, वो काम नहीं करना है। ये वो लेवल है जब आपको डिफरेंट काम नहीं करना, अब आपको वो काम करना है जो आप कर चुके हैं, उसी काम को आपको क्या करना है रिवाइज करना है। मीन्स कोई भी ऐसा सेक्शन ना हो जो आपने रिवाइज नहीं किया, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो वो कन्फ्यूज़न आपको अब नहीं होने देना, क्लियर। और वोकेब है, वोकेब के लिए आपको क्या करना है भाई, जो आपके पास एसपी बख्शी की वोकेब है, नॉर्मल लुइस से आप अब रिवीजन पे मत डालिएगा नॉर्मल लुइस को, नॉर्मल लुइस लर्निंग के लिए होती है, स्टार्टिंग के लिए होती है, लेकिन अब आपको एसपी बख्शी की जो वर्ड पावर है जो आपको चैनल पे कराई गई है, आप वहाँ से आप उसको जो आपने नोट्स बनाए होंगे आप उससे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक ब्रीफ रिवीजन वहाँ से आप लेके चलिए। इसके अलावा जहाँ से प्रैक्टिस सेट्स कर रहे होंगे सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस वगैरह, तो उसको वहाँ से आप रिवाइज करिए। जिस भी बुक से आपने लर्निंग की है, चाहे वो एसपी बख्शी से की हो, ड्यूसेंट से की हो, ठाकुर साहब से की हो, या कहीं और खुशवाहा से की हो, जहाँ से आपने लर्निंग की है, इडियम फ्रेजेस किए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं, या अदर वोकैब पार्ट्स किए हैं, तो उसको वहाँ से उसी बुक से सेम बुक से आप रिवाइज करिएगा, क्लियर। प्रैक्टिस सेट्स आप मार्केट में आए हैं, अब की बार तो कई प्रैक्टिस सेट्स हैं, मुझे लगता है 3-4 प्रैक्टिस सेट्स आए हैं, हमारे ज़माने में तो कोई प्रैक्टिस सेट्स होता भी नहीं था, एक आधा कोई होता था तो ऑथेंटिसिटी ऐसी ही होती थी, उसको भी आप कर रहे होंगे, उसको आप इन दिनों आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स जो भी आपको मिल जाए उसको आप प्रैक्टिस पे लगा सकते हैं, क्लियर। लेकिन ध्यान ये रखना है रिवीजन करिए और स्ट्रेस माइंड में इन 6 दिन में स्ट्रेस मत लाइएगा, कोई एंग्जाइटी ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कहीं कोई बोर्डम ना हो, कुछ नहीं, बिल्कुल काम होके कूल होके अपनी स्टडी करनी है, बिल्कुल कूल होके, क्लियर। और देखिए ऑलमोस्ट कोर्स हमारा पूरा था, कुछ रीजंस रहे हैं कि चाहते हुए भी मैं चैनल पे बहुत कुछ मटेरियल आपको देना चाह रहा था, प्रैक्टिस सेट्स इवन देना चाह रहा था, लेकिन नहीं दे पाया। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ें कमी रह गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी ना की होगी, उन चीज़ों को आपने जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट्स हैं या अदर बुक्स हैं उनमें जो पेपर्स हैं उनमें आपने किया होगा। तो ये सारी बातें थी, और इसके अलावा आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके दे दें, और डेफिनेटली उसको मैं कमेंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी तैयारी आप करते रहिएगा, बढ़िया करते रहिएगा, और एग्ज़ाम आपका होना है 7 को होना है, और मुझे लगता है 7 तारीख में जो सेकेंड मीटिंग है उसी में इंग्लिश लगा है, ज़्यादातर लोगों का उसी में है, तो और सबका अपने होम डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस भी नहीं ट्रेवल करनी, कुछ नहीं करना है, तो तैयारी करते रहिएगा। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, सभी का सिलेक्शन हो, परमपिता परमेश्वर ईश्वर आपको सफलता दे जल्दी से, और उसके बाद फिर जब आप सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद फिर एक गेट टुगेदर होगा, क्लियर, फिर मेरी तरफ से एक इन्विटेशन सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप।